हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीतम क्लब यूट्यूब चैनल। आई एम प्रीतम जना। मैं आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मोटो वन पावर की पाई अपडेट होने के बाद आपको एक फुल रिव्यू दूंगा पाई अपडेट रिलेटेड, एंड ऑल्सो उसका मैं एक लिस्ट भी यहां पर बनाया हूं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ये है मोटो वन पावर, आप सभी देख सकते हो यहाँ पर। एंड ऑल्सो इस फोन में पाई अपडेट आने के बाद क्या क्या नया इम्प्रूवमेंट्स आया है उस सबका मैं एक फुल रिव्यू आपको दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मेरा पास जो मेन जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट वो है फिंगरप्रिंट। ओके, तो फिंगरप्रिंट सेंसर इसका बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, मगर फिंगरप्रिंट सेटअप करने के टाइम ये बहुत ही क्विक हो जाता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, आपको फिंगरप्रिंट सेट करने के लिए पहले तो आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी में। इसके बाद आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट में जाके आपको आपका जो पासवर्ड है वो इनपुट करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर एड न्यू फिंगरप्रिंट में क्लिक करने के बाद बट इसमें जो मेन जो खामियां है अभी तक मुझे जो लगा है वो है इसका फिंगरप्रिंट फास्टनेस। ओके, तो इसमें तो फिंगरप्रिंट प्रोवाइड है मगर बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। तो मुझे लगता है नेक्स्ट अपडेट में ये भी हो जाएगा। एंड और एक बात है फ्रेंड्स, इसमें किसी भी टाइप से फेस अनलॉकिंग फीचर्स नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो ये हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता, मगर ओवरऑल इसका जो सिक्योरिटी है बहुत ही अच्छा है। इसके बाद जो मेन नेक्स्ट जो पॉइंट मेरे यहाँ पर जो है वो है इसका पाई अपडेट। ओके, तो इसका जो पाई अपडेट है आप सभी देख सकते हो, इसका जो लुक्स है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इसका गूगल नीचे आ चुका है, एंड ऑल्सो यहाँ पर छोटा सा एक लंबा सा एक होम स्क्रीन बटन भी आ चुका है। तो इसका जो पाई अपडेट है इसका मैं पहले तो आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर सिस्टम में आपको अभी तक अगर पाई अपडेट नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एडवांस में जाने के बाद एकदम नीचे सिस्टम अपडेट में क्लिक करने से यहाँ पर आपको चेक होने के बाद यहाँ पर दिख जाएगा एंड्रॉयड 9, उसके बाद उसका अपडेट कर लेना। ठीक है, तो 9 पाई अपडेट में तो ये हो चुका है। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, इसका जो ऑपरेटिंग है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। पहले तो ये जो 9 पाई अपडेट है इसका लुक्स थोड़ा चेंज हो चुका है। एंड ऑल्सो अगर इसको एक बार आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको जो मिनिमाइज होके जो आपका एप्लीकेशन होगा वो आपको दिख जाएगा ऐसे करके। एंड ऑल्सो अगर और एक बार आप ऐसे स्वाइप करोगे नीचे से ऊपर तो आपको आपका एप्स, इसका मतलब एप्लीकेशन दिख जाएगा। एंड ऑल्सो ऊपर जो ये जो 5 जो एप्लीकेशन है ये आपका क्विक एप्लीकेशन है, इसके मतलब जो आप ज्यादा यूज करते हो वो आपको यहाँ पर 5 एप्लीकेशन ऊपर दिख जाएगा इस पैनल में। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ से आप सर्च करके भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आप सोचो कैमरा, तो यहाँ से आपका कैमरा एप्स भी मिल जाएगा। अगर आपका मोबाइल में बहुत ज्यादा एप्स इंस्टॉल है तो उस टाइप से आप इसका मजा ले सकते हो इस सर्च ऑप्शन का। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट मुझे लगा है इस फोन में पाई अपडेट होने के बाद जो इम्प्रूवमेंट्स आया है, इसका जो बैक है ना, तो आप तो यहाँ पर आ चुके, इसके बाद आप यहाँ से बैक भी कर सकते हो और ऐसे स्वाइप पहले इस टाइप के, उसके बाद बैक करने से फिर से होम स्क्रीन में आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पर दिखाया है आप देख सकते हो, यहाँ पर इसका जो मेनू है मेनूज में भी थोड़ा चेंज हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पाई अपडेट होने के बाद इसमें मुझे अच्छा लगा वो है इसका डॉल्बी साउंड। इसमें तो डॉल्बी साउंड तो प्रोवाइड किया गया है, एंड ऑल्सो ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है अभी। एंड ऑल्सो आप यहाँ से आपके कस्टम एंड ऑल्सो म्यूजिक मूवी एंड ऑल्सो डायनामिक ये सब कुछ आप यहाँ से ऑटोमेटिकली एंड ऑल्सो मैनुअली चेंज करके भी सुन सकते हो। ये बहुत ही अच्छा एक फीचर्स प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद इसमें जो और बहुत कुछ जो मुझे अच्छा लगा पाई अपडेट होने के बाद वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो नॉच डिस्प्ले जो है, ये नॉच डिस्प्ले वीडियो ओपन होने के टाइम और गेम खेलने के टाइम, वो पहले क्या होता था यहाँ पर नॉच हाइड हो जाता था। ओके, तो ऊपर जो ये जो दो जो नॉच स्टाइल है वहाँ पर नहीं वो फुलफिल होता था। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैं यहाँ पर S19 को ओपन किया हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आराम से ये नॉच में भी
फुलफिल हो चुका है एंड ऑल्सो ये लोड हो रहा है, तो बहुत अच्छे से ए पाई अपडेट होने के बाद नॉच में प्रोवाइड हो रहा है। तो नॉच डिस्प्ले में ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है। एंड ऑल्सो आप जब वॉल्यूम अप डाउन करोगे यहाँ पर वॉल्यूम प्रोवाइड करने से आपको साउंड ऑपरेटिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो इस साइड में आपको आ जाएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ से आप क्विक सेटिंग भी कर सकते हो। ओके, तो जैसे कि आप सोचो यहाँ पर मैं तो अभी हेडफोन नहीं लगाया हूँ, अगर आपका यहाँ पर दो तीन आप सेटअप करके रखे हो तो वहाँ आपको यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो यहाँ से आप क्लिक करके भी वो सब ले सकते हो। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो अच्छा इसका साउंड। ओके, तो मैं आपको यूट्यूब में जाके एक यहाँ पर वीडियो चला के और एक म्यूजिक सुना के मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाके यहाँ पर एक नो कॉपीराइट स्ट्राइक वाला एक म्यूजिक आपको सुना देती हूँ। तो बात अब देखो यहाँ से आप बहुत आसानी से इस साउंड को कंट्रोल कर सकते हो। तो फुल दे दिया मैं, तो ओवरऑल इसका साउंड में भी बहुत इम्प्रूवमेंट्स आया है। इसका डॉल्बी साउंड है, इसीलिए आपको अगर हेडफोन में भी आप ऑडियो सुनते हो और वीडियो देखते हो तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड होगा। एंड ऑल्सो नेक्स्ट है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेरे पास पॉइंट्स है एंड ऑल्सो बहुत सारे गेस्टर्स भी इसमें आ चुका है, वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग गेस्टर्स है, इसके लिए आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट मेरे पास है इसका टार्बो चार्जिंग। इसमें तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट किया गया है, आप सभी जानते हो टार्बो चार्जिंग सपोर्टेड है। एंड ऑल्सो अगर आपको किसी भी जगह पर जाना है तो अगर जल्दी में हो तो जल्दी से 15 मिनट के लिए इसको चार्ज कर लो। एंड ऑल्सो आपको ओके 16 आवर्स तक वो बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा, तो इसमें एक बहुत ही एक बड़ी बात है क्योंकि फास्ट चार्जिंग सबको चाहिए, तो इसीलिए ये टार्बो चार्जिंग सपोर्ट तो मोटोरोला का खुद का सपोर्ट है, तो इसीलिए इसमें टार्बो चार्जिंग सपोर्ट है। एंड ऑल्सो आपको आप सभी जानते हो इसमें टाइप सी पोर्ट प्रोवाइड किया गया है, तो ये भी एक बहुत अच्छा बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट मुझे अच्छा लगा, इसका नॉच डिस्प्ले का मैं वीडियो तो आपको नहीं दिखाया, राइट, तो मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ। यहाँ पर पहले ये नहीं था मगर अभी ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो ऊपर यहाँ पर सर्च करो प्रीतम क्लब एंड ऑल्सो आपको दिख जाएगा। पहले यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो रेड वाला जो आइकॉन आपको यहाँ पर दिख जाएगा उसमें क्लिक करके सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, इससे क्या होगा जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन आपका यूट्यूब में पहुंच जाएगा। तो इसके बाद में यहाँ पर एक वीडियो सपोज सोचो ये वाला एक वीडियो। ओके, तो मोटोरोला का मैं अनबॉक्सिंग का ये वीडियो ओपन कर रहा हूँ एंड ऑल्सो मैं इसका साउंड को थोड़ा कम कर देती हूँ। इसके बाद देखो ये है नॉर्मल वीडियो। ओके, तो इसको अब अगर 1 2 3 इसको ऐसे कर देने से देखो एकदम नॉच में ये प्रोवाइड हो जा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो मुझे बहुत ही बड़ा इसमें लगा। ओके, तो नॉच मिल रहा है तो नॉच का तो फीचर्स फुल यूज करना ही चाहिए, राइट। तो इसके बाद जो मुझे अच्छा लगा इसका बैक कैमरा। ओके, तो इसका बैक कैमरा जो है वो बहुत ही बढ़िया है। एंड ऑल्सो आपको आप सभी जानते हो इसमें डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है बैक कैमरा में, तो आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर इसका कैमरा में जो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट्स जो आया है उसके बारे में। तो बैक कैमरा में ओपन कर चुका हूँ एंड ऑल्सो इसमें जो डिटेलिंग है वो बहुत ही अच्छा है। सपोज एक डॉल है तो इसको मैं यहाँ से बहुत ही आसानी से यहाँ से अब मैं थोड़ा ब्राइटनेस को बढ़ा देते हूँ, यहाँ से आपको देखने में आसानी होगा। तो मैं यहाँ पर क्विक कैप्चर एंड ऑल्सो इसमें आपको पोर्ट्रेट शॉट मैनुअल शॉट सब कुछ मिल जाएगा जैसे कि आप सोचो। ओके, तो ये मेरा कैमरा को ओपन कर चुका हूँ एंड ऑल्सो यहाँ से आप क्लिक करके इस फ्लैश को भी मैनुअली चेंज कर, तो ऑन ऑटो मैं इसको ऑटो में रखना चाहूंगा। एंड ऑल्सो HDR मोड भी है इसमें एंड ऑल्सो इसमें जो टाइमर जो है आप टाइमर ऑन करके भी एक साथ पिक्चर्स को उठा सकते हो। एंड ऑल्सो इसमें जो और बहुत सारा जो फीचर्स ऐड किया गया है एंड ऑल्सो इसका जो रेशियो इसे अपडेट होने के बाद आपको इसमें मिल जाएगा 18.7:9 रेशियो का। इसका मतलब नॉच डिस्प्ले वाला जो रेशियो है वो भी आपको ये अपडेट होने के बाद इसमें दिख रहा है, आप देख सकते हो कैमरा ओपन होने के बाद इसमें फुल डिस्प्ले में वो कैमरा ओपन
हो रहा है। एंड ऑल्सो इसके बाद इसमें आप सभी शायद जानते हो इसे बहुत सारा मैनुअल मोड भी पहले से था एंड ऑल्सो इसमें पैनोरामा मोड भी ऑलरेडी इसमें दिया गया है। एंड ऑल्सो मैनुअल मोड में आप इसमें से बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, जैसे कि DSLR मोड में जो ऑप्शंस रहता है वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, तो आप यहां से मैनुअली चेंज करके भी वो यूज कर सकते हो। इसके बाद फिर से आप इस कैमरा में जाके इसको ले सकते हो। एंड ऑल्सो पोर्ट्रेट, जो पोर्ट्रेट मोड है ये पोर्ट्रेट करने के लिए है। एंड ऑल्सो आप इसको टैप करो, उसके बाद आराम से उसका पिक्चर आप उठा सकते हो। तो ओवरऑल इस फोन का जो बैक कैमरा है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड ऑल्सो इसमें जो डिटेलिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। एंड ऑल्सो आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत से एक कैप्चर हो रहा है। एंड ऑल्सो इसका जो बैक कैमरा है, बैक कैमरा में और एक चीज, यहाँ पर आप पोर्ट्रेट ब्लार जो इफेक्ट है, ब्लार इफेक्ट को भी आप मैनुअली चेंज कर सकते हो। इसके बाद फिर से मैं कैमरा में जाता हूँ। एंड ऑल्सो यहाँ पर गूगल ने और एक चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा एडिशन किया है, ए वाला ऑप्शन। इसमें आप क्लिक करके कोई भी एक पिक्चर में जाओ एंड ऑल्सो उसको क्लिक करो। क्लिक करने से क्या होगा, वो यहाँ से गूगल उसको फाइंड करेगा कि कहाँ पर है। देखो बहुत सारा उसके जैसा बहुत सारा डॉल्स का पिक्चर आपके सामने आ चुका है, तो एक बहुत बड़ा फीचर्स है। एंड ऑल्सो आप बार कोड एंड ऑल्सो आपका पेज का और बुक्स का पिक्चर उठा के आप देख सकते हो कहाँ पर वो अवेलेबल है, तो ये और एक बहुत बड़ा फीचर्स है मुझे लगता है। एंड ऑल्सो इसके बाद जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसका सेल्फी कैमरा, इसका सेल्फी कैमरा भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो मैं बहुत सारे पिक्चर्स यहाँ पर उठा के रखा हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो मैं एक पिक्चर उठाया था। एंड ऑल्सो इसका डिटेलिंग बहुत ही बढ़िया है, ये ब्यूटिफिकेशन में है एंड ऑल्सो ये नॉर्मल मूड में है, तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। एंड ऑल्सो मैं बहुत सारा पिक्चर्स यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, ये डिटेलिंग बहुत ही बढ़िया है। तो मुझे तो इसका सेल्फी में भी बहुत ही नाइस जो फीचर्स है। तो एंड ऑल्सो आप जानते हो इसमें आप नाइट में भी पिक्चर उठा सकते हो, यहाँ पर एक फ्लैश प्रोवाइड किया गया है उसकी मदद से, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो आप सभी के लिए जो पॉइंट मैं अभी तक सस्पेंस रखा हूँ, इसका जेस्चर्स, ओके। तो इसमें जो मोटो का जो एप्स प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर जो बहुत सारे जेस्चर्स ओपन किया गया है। एंड ऑल्सो आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ मोटो एक्शन में आपको मिल जाएगा, चॉप मोड मिल जाएगा, ट्विस्ट मोड मिल जाएगा। एंड ऑल्सो मोटो डिस्प्ले में आपको कप डिस्प्ले, ओके। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको दिखा देते हूँ। मैं इस फोन को यहाँ पर रख दिया, ओके। तो इसके बाद सपोज आपको टाइम देखना है, पावर बटन प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे उठा आपको टाइम दिख जाएगा, तो एक बहुत बड़ा फीचर्स है। एंड ऑल्सो इसको अगर आप सपोज सोचो आपको फ्लैश ऑन करना है, तो कुछ भी नहीं, आप मोबाइल को ऐसे पकड़ो एंड ऑल्सो दो बार ऐसे करने से आपका फ्लैश ओपन हो जाएगा, ओके। बहुत बड़ा एक फीचर्स है। इसके बाद फिर से दो बार चॉप करने से ये ऑफ हो जाएगा। एंड ऑल्सो आपको कैमरा ओपन करना है, तो कैमरा कैसे ओपन करोगे, आपका फ़ोन लॉक है, और अगर सोचो आपका पिक्चर उठाना है, कोई भी दोस्त आपको बोला कि भाई फ़ोन लॉक अनलॉक करके दे, अनलॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बोलो दो बार ऐसे चॉप करने से, उसके बाद वो कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। आपका तो लॉक स्क्रीन मोड में होगा, मगर फिर भी आपका कैमरा आप यूज कर पाओगे, तो ये बहुत ही एक बड़ा फीचर्स मुझे लगता है। एंड इसका जो जेस्चर्स है वो भी बहुत बड़ा है, तो बढ़िया से काम करता है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, और कुछ मुझसे मिस हो गया तो इसका पाई अपडेट के बाद कुछ रिव्यू तो आपके पास अगर है तो ज़रूर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत सारा वीडियोस बना रहा हूँ। एंड ऑल्सो इसके साथ मैं मैक्स प्रो M1 की एंड ऑल्सो OnePlus 60 सब कुछ का एक साथ रिव्यू करूँगा, गेमिंग रिव्यू भी मैं करूँगा, तो मुझे थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे करके सबके पास सब कुछ रिव्यू आता जाएगा धीरे धीरे करके। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ नीचे क्लिक करके सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। तो चलो, और एक बात फ्रेंड्स, मैं आपको वीक में 4 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, एक दिन करके मैं वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना, मुझे भी बहुत सारा काम है, तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप सभी के लिए। एंड ऑल्सो ये वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड ऑल्सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।